सपा नेता आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि आजम खां पर एक और हेट स्पीच मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके तहत उन्हें अब अपने बचाव में लिखित सवालों का भी जवाब देना होगा। यह मामला 8 अप्रैल 2019 रामपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान दी गई हेट स्पीच का है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कातिल तक कह डाला था। इतना ही नहीं, रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजने कुमार पर निशाना साधते हुए कई अपशब्द भी कहे थे। यह भाषण एक जनसभा के दौरान उन्होंने रामपुर के शाहबाद नगर थाना क्षेत्र के धमौरा विधानसभा क्षेत्र 38 मिलक में दिया था। इस मामले में अब अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी हो चुकी है और सभी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे जा चुके हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने 5 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें आजम खां को अपने बयान दर्ज कराने हैं, जिसमें आजम खां को धारा 313 दंड प्रक्रिया सहित के तहत आजम खां को लिखित प्रश्नों का भी जवाब देना होगा। वहीं इस संबंध में संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि अभियोजन द्वारा सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं, गवाही पूरी हो चुकी है और अब आजम खां को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर जवाब देना है, जिसके बाद कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और इस मामले में जजमेंट आ सकता है। आज ACJM प्रथम MP MLA कोर्ट रामपुर में वर्ष 2019 अप्रैल में 8 अप्रैल 2019 को जो आजम खां ने भाषण दिया था धमौरा में, वो भड़काऊ भाषण था और लोकसभा का सामान्य निर्वाचन था उस समय, उसी में चुनावी सभा थी, उसके संबंध में आज अभियोजन की तरफ से पूरी गवाही हो गई है और अब तक जो गवाह प्रस्तुत हुए हैं उसमें जो फैक्ट के गवाह हैं और जो औपचारिक साक्षीगण हैं सभी प्रस्तुत हो चुके हैं। अब इसमें न्यायालय ने 5 तारीख लगाई है इसी महीने की, उस दिन मोहम्मद आजम खां का बयान होगा। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त जो है अपने पक्ष में उनसे प्रश्न लिखित रूप में उनके सामने रखे जाते हैं, उनका जवाब उनको देना होता है कि वो इस केस के बारे में वो अपना क्या बचाव करते हैं या क्या करते हैं। न्यायालय ने 5 तारीख इसमें लगाई हुई है, तो 5 तारीख को 313 का बयान अंकित होगा। सर, ये क्या भाषण था, क्या भड़काऊ भाषण था उसमें? उसमें बस यही है कि जैसे पिछले मामले में जो जिसमें कन्विक्शन हुआ है, भाषण देते थे अधिकारियों के प्रति और के प्रति विद्वेष भावना से, तो उसी प्रकार के हेट स्पीच का इसमें भी है। हेट स्पीच का भी सर, उसको 313 के बाद सर उसके बाद जजमेंट आता है सर? 313 के बाद उनके द्वारा अगर बचाव साक्षी नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो आर्गुमेंट के बाद जजमेंट में जाती है फाइल। आपको बता दें, इससे पहले भी हेट स्पीच मामले में कन्विक्शन हुआ है, जिसके बाद आजम खां की विधायकी जा चुकी है और अब धारा 313 के तहत उन्हें अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। अगर आजम खां अपने बचाव में कुछ नहीं रख पाते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया के तहत आर्गुमेंट के बाद इस मामले में भी फैसला आ सकता है, जो आजम खां के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बन सकता है।